नेतारम भेतारम कर्म भूभृतां ज्ञातारम विश्वतत्वानां वंदे तद्गुणलब्धये मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम्। तत्वार सूत्र परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंदकुंद के पट्टशिष्य उमा स्वामी द्वारा यह विक्रम की प्रथम शताब्दी में लिखा गया है। सूत्रात्मक शैली में भाषा इसकी संस्कृत है। 10 अध्यायों में विभाजित है। 7 तत्वों का वर्णन है। हम सभी लोग दूसरा अध्याय पढ़ रहे थे, जीव के असाधारण 5 भाव, और उसमें जीव की क्या पहचान है उसका अपन ने उपयोगो लक्षणम नाम का सूत्र पढ़ा था कि उपयोग जीव की पहचान है और उसका वो लक्षण है। अब अपन ने यह जानने के बाद यह उपयोग किसे कहते हैं, कि इसका स्वरूप क्या है, ये जाना था। एक बात जरूर यहाँ पर ध्यान रखना है, एक बार में एक ही उपयोग होता है, दो उपयोग एक साथ आदि नहीं होते हैं। जैसे हम मति ज्ञान वाला व्यक्ति जीव भी यदि आँख से देख रहा है या जान रहा है तो उस समय कान से नहीं देख रहा है, नहीं जान रहा है। नहीं देखना मतलब आप बोलेंगे कान से कैसे देखना, मैंने आपको पहले बता दिया यहाँ देखने का अर्थ देखना नहीं है, दर्शन का अर्थ सामान्य प्रतिभास, पांचों इंद्रियों से सामान्य प्रतिभास होता है। तो एक बार में एक ही उपयोग होता है, जिस समय हम सुन रहे हैं उस समय हम देख नहीं रहे, जिस समय हम देख रहे हैं उस समय हम सुन नहीं रहे हैं, जिस समय हम चख रहे हैं उस समय हम स्पर्श नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमको लगता ऐसा है हम टीवी के समक्ष बैठे हुए हैं, देख भी रहे हैं और खा भी रहे हैं, तो हमको लगता हम दोनों काम एक साथ कर रहे हैं, सुनने का भी काम कर रहे हैं, देखने का भी, खाने का भी, बोलने का भी। लेकिन यह इतना सूक्ष्म विषय है कि एक बार में एक ही उपयोग हो सकता है, क्योंकि एक गुण की दो दो तीन तीन चार चार पर्याय एक साथ प्रकट नहीं हो सकती है, एक बार में एक ही पर्याय प्रकट होती है। मति ज्ञानावरण कर्म के 6 उपशम से 5 इंद्रिय मन की सहायता से जो जानने का जो शक्ति प्रकट हुई है और मति ज्ञान उपयोग प्रकट हुआ है वह उपयोग एक बार में एक ही रहता है। ऐसे चक्षु दर्शनावरण कर्म के 6 उपशम से जो चक्षु दर्शन प्रकट हुआ है और वह चक्षु दर्शन का जो व्यापार चक्षु दर्शन उपयोग प्रकट हुआ है वह एक बार में एक ही उपयोग होता है। हमको लगता है कि हम एक साथ अनेक कार्य कर रहे हैं, हम मंदिर में जिन आँखों से दृष्टि से जिन वाणी भी पढ़ रहे हैं, कानों से अभिषेक पाठ आदि भी सुन रहे हैं, एक हाथ से माला भी कर रहे हैं, अनेक कार्य दिखते हुए भी उपयोग एक बार में एक ही हो सकता है। क्यों? क्योंकि सिद्धांत है किसी भी गुण की जो पर्याय है वह एक बार में एक ही तो निकलेगी, दो तीन चार एक साथ नहीं निकल सकती है, ठीक है ना। तो छद्मस्थ जीवों का जो है इस प्रकार से यह कार्य होता है। अब केवल ज्ञानियों का कैसे होता होगा, तो उनका भी एक समय में एक ही होता है, बस अंतर इतना है कि जो छद्मस्थ जो जीव है वो एक इंद्रिय में एक बार ही उपयोग लगा पाता है, उससे उसको एक ही ज्ञान हो पाता है, एक पदार्थ का ज्ञान हो पाता है या बहुविध पदार्थ का ज्ञान भी हो सकता है। लेकिन केवलियों का एक समय में जो एक पर्याय केवल ज्ञान पर्याय जो निकलती है, केवल ज्ञान उपयोग जो निकलता है वह पर्याय से वो समस्त द्रव्यों की समस्त पर्यायों को युगपद एक साथ जान सकते हैं, उनको उनका ज्ञान हो सकता है, तो वो एक उनकी पर्याय है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक बात जरूर मुख हमको समझानी थी, यही बात कि एक बार में एक ही उपयोग होता है, इसलिए हमको हर कार्य उपयोग पूर्वक करना चाहिए, एकाग्रता पूर्वक करना चाहिए, मनन पूर्वक करना चाहिए। आगे आचार्य भगवान ने जीव के और विस्तार रूप से ज्ञान कराया है। यह द्वितीय अध्याय में भी जीव का ही वर्णन है, जैसे प्रथम अध्याय में जीव का वर्णन था, द्वितीय अध्याय में भी जीव का ही वर्णन है, तृतीय में भी और चौथे अध्याय में भी जीव का वर्णन है। उपयोग और उपयोग किस में पाया जाता है, संसारी और मुक्त जीव में, उसमें भी संसारी में जो मन सहित और मन रहित जीव होते हैं उसमें भी
एक इंद्रिय से लेकर के 5 इंद्रिय प्रकार के जीव होते हैं, फिर उनका कौन कौन सा जन्म होता है, गर्भज आदि, संमूर्छन आदि जन्म, और फिर उनका शरीर कौन सा शरीर होता है, फिर में वेद कौन सा पाया जाता है। तो इस प्रकार से पूरी विस्तार रूप से इसमें आगे सूत्र जो आने वाले हैं वो जीव को ही लेकर के ही मुख्यता से बात करेंगे, ठीक है ना। उनके ही भेद और प्रभेदों को यहाँ पर गिनाया जाएगा, और बहुत ही मार्मिक विषय है, इस विषय को हमें अच्छी तरह से समझना है। अब हम जो 10वां और 11वां नंबर का जो सूत्र है उसको एक साथ यहाँ पर उच्चारण करते हैं, एक बार हम बोलेंगे और दोबारा सभी आप लोग अपनी जिनवाणी खोल लेंगे। दूसरे अध्याय का 10वां और 11वां नंबर सूत्र, संसारिणो संसारिणो मुक्ताश्चे, मुक्ताश्चे संसारिणो संसारिणो मुक्ताश्चे। मुक्ताश्चे सूत्र नंबर 11, सामनस्का सामनस्का मनस्कहा, मनस्कहा सामनस्का मनस्कहा, सामनस्का मनस्कहा। इस प्रकार से इसका अपन ने उच्चारण किया। आप अपन इसको बोर्ड के माध्यम से इसको सूत्र को उच्चारण करते हैं और इसका अर्थ भी समझते हैं, इसका संधि विच्छेद भी करते हैं। दूसरे अध्याय का 10वां नंबर सूत्र और ये दूसरे अध्याय का 11वां नंबर सूत्र, दोनों सूत्र यहाँ दिए हुए हैं, इसका उच्चारण देखिए, संसारिणो मुक्ताश्चे, ठीक है ना। इसका संधि विच्छेद करेंगे, संसारिणः विसर्ग का ओ का विसर्ग हो जाएगा संसारिणः, और ये सा का विसर्ग हो जाएगा तो मुक्ता च, संसारिणः मुक्ता च, दोनों ही बहुवचन में हैं। अब सूत्र नंबर 11 का, सा मनस्का मनस्काहा, सा मनस्का मनस्काहा, ये सूत्र आपको दिखाई दे रहा होगा। इसका अपन ने संधि विच्छेद किया तो सा मनस प्लस आ मनस्का, सा मनस प्लस आ मनस्का। सा मनस का मतलब है मन सहित जीव, सा मतलब सहित, मनस का मतलब मन वाले, मनस वाले जीव, मन सहित जीव। आ मनस्का मतलब मन रहित वाले जीव, ये भी बहुवचन में है। इस प्रकार से यहाँ पर संसारिणः जो संसारी हैं, जो कर्म सहित जीव हैं, मुक्ता जो कर्म रहित जीव हैं, ये कर्म सहित है और ये कर्म रहित है, और जो संसारिणः पहला वाला है ये इसके ही यहाँ पर भेद दिए हुए हैं। संसारिणः संसारी जो जीव है वो दो प्रकार के हैं, समनस्क और आमनस्क, मतलब मन वाले और मन रहित वाले। इस प्रकार से यहाँ पर ये सूत्र का उच्चारण और अर्थ है, विशेष रूप से आगे अपन इसको समझते हैं। तो जीव के दो भेद करते हैं अपन, संसारी जीव और मुक्त जीव, यहाँ लिखा है संसारी जीव और मुक्त जीव। संसारी जीव के नीचे लिखा है कर्म सहित, जो कर्म से सहित हैं वो संसारी जीव कहलाते हैं, और जो कर्म रहित जीव हैं उन्हें मुक्त जीव कहते हैं। संसारी जीव के नीचे दो भेद किए हैं, सामनस्क और आमनस। सामनस मतलब मन वाले जीव, जो मन से सहित होते हैं, और आमनस्क जो मन से रहित जीव होते हैं। और मुक्त जीव में कोई भेद नहीं बनता है, क्योंकि जब वहाँ पर शरीर ही नहीं है तो इंद्रियों का मन का होना स्वाभाविक वहाँ हो ही नहीं सकता है, इसलिए वहाँ पर किसी प्रकार का भेद नहीं होता है। इस प्रकार से संसारी और मुक्त यहाँ पर भेद हुए। अब हम एक-एक अर्थ को समझते हैं, पहले संसारी शब्द को समझते हैं, संसार। ये संसारी जीव जो बोला गया है, संसार में रहने वाले जीव को संसारी कहा गया है, उसके लिए देखिए यहाँ परिभाषा लिखी है संसारी। इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है, संसरण, संसरणा, संसारी जो संसरण करता है, जो खिसकता है, जो घूमता है, जो भटकता है, उसे संसारी जीव कहते हैं, अर्थात जो परिभ्रमण करे उसे संसारी जीव करे। 5 प्रकार का परावर्तन रूप, जो परिवर्तन रूप परावर्तन करे उसे संसारी जीव कहते हैं, और हर जीव का संसार उसके अंदर जो मोह राग द्वेष आदि है
वह भाव ही असल में उसका संसार होता है। संसार जो शब्द है वो श्री धातु से बना हुआ है। श्री का मतलब ये होता है सरकना। कोई भी शब्द है वह कोई ना कोई धातु से निर्मित होता है और धातु का अपना कुछ ना कुछ अर्थ होता है। ज्ञा धातु जानने अर्थ में आती है, क्री धातु करने अर्थ में आती है, श्री धातु सरकने अर्थ में आती है। तो सरकने का नाम संसार है। किसका नाम संसार है? सरकने का नाम संसार है। जो सरकते हैं, जो खिसकते हैं, जो परिभ्रमण करते हैं उसको संसारी प्राणी कहते हैं। संसार में सरकने वाला जीव संसारी हो गया। संसार अलग और संसार को धारण करने वाला संसारी, ठीक है ना, तो उसको अपन ने संसारी जीव कहा। किस प्रकार से यह सरकता है तो अपन इसको अनेक प्रकार से देखते हैं। पहले तो लोग संसार का अर्थ क्या समझते हैं पहले ये समझिए। संसार लोग समझते हैं जैसे ये लोक है, ये विश्व है, ये पृथ्वी है, तो ये कोई क्षेत्र है, उसे संसार समझते हैं। इसके लिए यहाँ पर ये वाले संसार की बात यहाँ पर नहीं चल रही है क्योंकि जीव का प्रकरण चल रहा है, इसलिए यहाँ पर संसार कौन सा है ये अपन को समझना है। सरकना, किस चीज से सरकना? जीव अपने स्वभाव से जब सरक जाता है अर्थात अपने विभाव को प्रकट करता है, राग द्वेष मोह को प्रकट करना ही अपने स्वभाव से सरकना है, अपने स्वभाव से खिसकना है, अपने स्वभाव से च्युत होना है। क्योंकि उसका जो स्वभाव था वीतराग प्रणा, वो स्वभाव उसका प्रकट नहीं हो पाया और वह विभाव में भी अनादि काल से चल रहा है, तो अपने स्वभाव से च्युत है ना वो, तो राग द्वेष मोह आदि ही उस जीव का क्या है? संसार है। और ऐसे संसार को धारण करने वाला संसारी जीव कहलाता है। बात समझ में आई ना? इसी के कारण ही उसकी जो प्रवृत्ति है वो चार गति रूप होती है। किस रूप होती है? मनुष्य गति, तिरंच गति, देव गति, नरक गति। इन इन चार गतियों में जो परिभ्रमण करता है वह किसके कारण भ्रमण करता है? वो अपने ही स्वभाव से च्युत होने के कारण, सदा ही विकृत परिणाम, राग द्वेष मोह परिणाम, ये जो परिणाम हैं मिथ्या परिणाम हैं, उसके कारण संसार में परिभ्रमण करता है। अथा अपन ये कह सकते हैं संसार दो प्रकार का है जीव का, एक द्रव्य संसार और एक भाव संसार। कितने प्रकार का? दो प्रकार का संसार, द्रव्य संसार और भाव संसार। द्रव्य संसार चार गतियां जो हैं वो जीव की द्रव्य संसार है, जो उस पुद्गल आदि कर्म आदि के निमित्त से चारों गतियों में जो चक्कर लगाता है, 84 लाख योनि में जो जन्म और मरण करता रहता है, ऐसा वह संसार उसका वो द्रव्य संसार है, ठीक है। भाव संसार उस जीव की ही अपने विकारी परिणाम, जो उसके विकारी परिणाम कौन से हैं? मिथ्यात्व एक विकारी परिणाम है उसका, राग द्वेष मोह भी उसका विकारी परिणाम है। असल में तो जीव का सबसे बड़ा संसार यदि है तो मिथ्यात् भाव ही सबसे बड़ा संसार है। अनंतानंत काल बीत गए इस जीव को इस संसार में भटकते हुए, उसका एक ही मात्र कारण है मिथ्या बुद्धि। इस विपरीत बुद्धि के कारण, तत्व को ना समझने के कारण, सही गलत का निर्णय ना करने के कारण यह जीव संसार में दुखी हो रहा है। यह संसार में कर्मों के फल को भोगे जा रहा है और अपने आप की पहचान नहीं कर पा रहा है, स्वपर का भेद ज्ञान नहीं कर पा रहा है, सही गलत का निर्णय नहीं कर पा रहा है। महानुभाव, तो इसको हम कहते हैं संसार। अब आपको समझ में आ गया ना? यदि हम तीन लोग को संसार कहें, ऐसा नहीं संसार का मिलता नहीं है, उसको कहा नहीं शास्त्र में, कहा है पर सुनिए, तीन लोग को यदि हम संसार में कहें तो क्या हो जाएंगे? सिद्ध भगवान भी संसारी हो जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि वो भी संसार में हैं,
वो भी तो तीन लोक के अंदर ही तो है सिद्ध शिला, तो वो भी क्या हो जाएगी, संसार कहलाएंगे, संसारी जीव कहलाएंगे। लेकिन वो तीन लोक में होते हुए भी आचार्य भगवान जो संसार बताना चाह रहे हैं वो द्रव्य संसार और भाव संसार की बात कहना चाह रहे हैं। क्योंकि सिद्ध शिला आदि में जो जीव विराजमान है तनुवात वाले में, उनके अंदर संसार नहीं है, वो सरकते नहीं हैं, वो अपने स्वभाव से च्युत नहीं होते हैं। जो उनका स्वभाव है केवल ज्ञान, जो उनका स्वभाव है, जो उनका शुद्ध स्वरूप प्रकट हो गया है, उस शुद्ध स्वरूप से कभी भी तीन काल में वो च्युत नहीं होंगे, इसलिए वो संसारी नहीं है। ठीक है ना। तो मैंने जो अपना संसार का अर्थ लगाना है, निश्चय से संसार का अर्थ यही है कि हम अपने ही विभाव के कारण जो भटक रहे हैं वो हमारा संसार है। और व्यवहार से संसार लगाना है तो कर्मों के कारण जो जीव जो है चारों गतियों में भ्रमण करता है उसका नाम संसार है। तो ऐसा भ्रमण करने वाला तीनों लोक में जन्म लेता है, तीनों लोकों में। देखिए सिद्ध शिला के पास ही वहाँ पर भी निगोदिया जीव होते हैं, वहाँ भी त्रिंच गति के जीव हैं। त्रिंच गति के जीव तो पूरे तीन लोक में ठसाठस भरे हुए हैं, एक भी स्थान खाली नहीं है जहाँ पर त्रिंच गति के जीव ना पाए हों, एक इंद्रिय जीव आदि सूक्ष्म भी बादर भी, इस प्रकार से व्यवस्था है। और देवगति तो ऊर्ध्वलोक में है, अधोलोक में नरक गति है, मध्यलोक में मनुष्य और त्रिंच जीव पंचेंद्रिय आदि जीव हैं, और इसी मध्यलोक में ही सुमेरु पर्वत के चक्कर लगाने वाले जो देव ज्योतिष देव आदि भी हैं। तो इस प्रकार से पूरा संसार का बाह्य संसार है, और बाह्य संसार में भ्रमण करने वाला जो जीव है वो संसारी जीव कहलाता है। तो अपन को ये परिभाषा समझ में आ गई, ठीक है ना। अब मुख्य बात यहाँ ये समझना है कि जो संसारी और मुक्त दो भेद जो किए हुए हैं वो जो है वो कर्म सापेक्षता से और कर्म निरपेक्षता की अपेक्षा कहा है। नमोस्तु आचार्य श्री। यहाँ पर संसारी और मुक्त जीव के जो दो भेद किए हैं वह द्रव्य की अपेक्षा से है या पर्याय की अपेक्षा से? यहाँ पर जो संसारी और मुक्त जीव के जो भेद किए गए हैं वह द्रव्य की अपेक्षा नहीं पर्याय की अपेक्षा भेद हैं। द्रव्य की अपेक्षा भेद कर देंगे तो क्या हो जाएंगे, दो पार्ट हो जाएंगे कि इतने जीव तो संसारी ही रहते हैं और इतने जीव मुक्त रहते हैं। मुक्त जीव परमानेंट मुक्त वाले हो जाएंगे और संसारी जीव परमानेंट संसारी वाले हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर द्रव्य की अपेक्षा भेद नहीं करना कि संसारी जीव द्रव्य और मुक्त जीव द्रव्य, ऐसा नहीं करने का, पर्याय की अपेक्षा से है। जो एक पर्याय पहले संसार की थी, दूसरे समय बाद वह सिद्ध अवस्था की उसकी पर्याय हो सकती है। पहले अशुद्ध दशा और फिर शुद्ध दशा, एक ही जीव की पहले अशुद्ध दशा होती है, पहले बंध होता है और बंध पूर्वक फिर मोक्ष होता है। मतलब संसार में उसकी बंध दशा थी, कर्म बंध की दशा थी, और कर्म बंध की दशा को उसने दूर किया तो अबंध की दशा अर्थात मोक्ष की दशा को उसने प्रकट किया। एक पर्याय का विनाश हुआ और दूसरी पर्याय का उसका उत्पाद हुआ। इस प्रकार से उत्पाद और वय चलता रहता है। जो जीव जो द्रव्य है वो द्रव्य अनचेंजिबल है और पर्याय जो है वो चेंजिबल है, जो चेंज होती है। तो जैसे जल की लहरें हैं, लहरें उठती हैं और समाप्त होती हैं, फिर बनती हैं फिर समाप्त होती हैं, इसी प्रकार से एक पर्याय जाती है फिर दूसरी पर्याय आती है। तो आना जाना इस पर्याय का चलता है उसी द्रव्य में। तो यहाँ पर द्रव्य की अपेक्षा संसारी और मुक्त जीव के भेद नहीं किए गए हैं, अपितु पर्याय की अपेक्षा से जीव के यहाँ पर भेद किए गए हैं। वही संसारी जीव पुरुषार्थ करके मुक्त हो जाता है, सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाता है। तो अवस्था की अपेक्षा से यहाँ पर भेद हैं, यह ध्यान में रखना। एक बार अपन सूत्र को पुनः देखते हैं, संसारिणो मुक्ताश्च। आपने सूत्र देखा होगा तो उसका क्या लिखा है, संधि विच्छेद, संसारिणः मुक्तः च। च मतलब वो जो जीव की अनुवृत्ति चली आ रही है वो लेना है चा से, कि वही जीव का ही जो भाव चल रहा था, जीव की पहचान, वो जीव के भेद, इस चा शब्द से लेना है, ठीक है ना। और संसारिणः बहुवचन है और मुक्तः
ये भी बहुवचन है। संसारिण शब्द से संसारिणः और मुक्त मुक्त शब्द से मुक्तः, ये बहुवचन बनता है। प्रश्न हमारे जहन में उठना चाहिए, मन में उठना चाहिए कि संसारिणः भी बहुवचन क्यों लिया है और मुक्ता भी शब्द जो है बहुवचन क्यों लिया गया है। तो यहाँ पर यह बात लगाना है कि संसारी बहुत हैं और मुक्त जीव भी बहुत हैं। संसारी जीव तो बहुत है ही हैं, लेकिन मुक्त जीव भी सोचो कोई एक दो मुक्त जीव ही हों, जैसे अन्य दर्शनों में बोलते हैं सबका मालिक एक ही है, भगवान एक ही है, बाकी तो सब उसकी अंश हैं, एक ही ब्रह्मा हैं, एक ही भगवान हैं, इस प्रकार से लोग बोलते हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, बोले संसारी जीव भी अनंतानंत हैं और मुक्त जीव भी अनंतानंत हैं। ये बात अलग है, संसारी जीव की राशि ज़्यादा है, मुक्त की कम है, लेकिन मुक्त कम का मतलब ऐसा नहीं कि दो चार पाँच दस ही हों, वो भी अनंतानंत ही हैं। बोलते ना अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय जयकार जब लगाते हैं, तो इसलिए दोनों को बहुवचन में रखा है कि संसारी भी बहुत और मुक्त जीव भी बहुत हैं, यह बताने के लिए यहाँ पर दोनों को सूत्र में बहुवचन रूप में रखा गया है। इस बात को हमें जानकारी रूप में रखना, कभी आपको कोई पूछे या आप स्वयं समझने के लिए, क्योंकि व्याकरण के अनुसार जब हम पढ़ते हैं तो उसमें भी हमें कुछ बातों का ज्ञान होना चाहिए। नमोस्तु आचार्य श्री, सूत्र में सबसे पहले संसारी जीवों को क्यों ग्रहण किया है? सूत्र में जो संसारी जीव को पहले लिया है, इसका भी बहुत बड़ा रहस्य है। उमा स्वामी भगवान जब भी कोई चीज़ लिखते हैं सूत्र में, तो उसमें रहस्यात्मक चीज़ होती है। संसारी जीव को पहले लिखने का तीन कारण हैं। पहले तो संसारी जीव के भेद प्रभेद बहुत होते हैं, सबसे ज़्यादा संसारी जीव ही पाए जाते हैं, ठीक है ना। एक निगोद शरीर में अक्षय अनंत जीव राशि है, और जितने जीव संसार मुक्त को प्राप्त हो चुके हैं, सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं, देखा जाए तो एक निगोद शरीर में जितने जीव हैं उतना अभी खाली भी नहीं हुआ, ऐसे अनंत निगोद शरीर हैं, ठीक है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा जीव यदि राशि पाई जाती है तो वो किसकी पाई जाती है? संसारी जीव की, पहला कारण है। और उसके भेद प्रभेद भी बहुत पाए जाते हैं। मुक्त जीव के क्या भेद प्रभेद है? मुक्त जीव के कोई भेद और प्रभेद नहीं होते हैं कि सिद्ध दो प्रकार क्यों, ऐसे नहीं। लेकिन संसारी जीव के भेद प्रभेद बहुत पाए जाते हैं। जीव समासादि जब अपन पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तो पहला कारण तो यही है कि उनकी संख्या बहुत होती है और भेद प्रभेद बहुत होते हैं। दूसरा कारण है संसार पूर्वक ही मोक्ष होता है। संसार पूर्वक मोक्ष दिखाने के लिए सबसे पहले संसारी जीवों को पहले स्थान पर दिया। और तीसरा कारण यह है कि संसारी जीव हमें कुछ हद तक प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। सूक्ष्म जीव को छोड़ दो, जो त्रेंच में जो एक इंद्रिय सूक्ष्म है वो तो दिखते नहीं हैं, लेकिन अधिकांश जीव जो हैं हमें प्रत्यक्ष दिखाई दे जाते हैं। तो प्रत्यक्ष दिखाई देने के कारण संसारी जीव को पहले, क्योंकि जो हम जानते हैं सबसे पहले हम उसको जान लें। और सिद्ध भगवान जो हैं वो परोक्ष जीव हैं, जो इंद्रियों मन से देखे नहीं जा सकते हैं, अनुभव गम्य नहीं हैं, मात्र उनका ज्ञान हो सकता है। तो इसलिए उनको द्वितीय अवस्था में रखा है सूत्र में। तो अपन ने यहाँ पर देखा तीन कारणों के कारण संसारी जो शब्द है सूत्रकार ने सबसे पहले रखा। पहला, संसारी जीव बहुत ज़्यादा हैं, भेद प्रभेद हैं। दूसरा कारण, संसार पूर्वक ही मोक्ष होता है। और तीसरा कारण कि संसारी जीव क्या हैं, प्रत्यक्ष हमें दिखाई देते हैं। इस कारण यहाँ पर सूत्र में यह पहला संसारी शब्द रखा है। और बाद में मुक्त शब्द जो रखा है कि संसार पूर्वक हमें मोक्ष होना है, हम बंध से अबंध की ओर जाएंगे, बंध से मोक्ष की ओर जाएंगे। तो हमें बंध का ज्ञान होते ही बंध का अभाव करेंगे और फिर मोक्ष दशा को हम प्रकट करेंगे। अर्थात हमारी जो शुद्ध पर्याय है वो मुक्त दशा है और जो अशुद्ध पर्याय है वो संसार दशा है। तो अशुद्ध दशा का ज्ञान कराने के लिए और हम अशुद्ध हैं इस बात को बताने के लिए कि हम शुद्ध हो सकते हैं, इस बात का ज्ञान कराने के लिए द्वितीय अवस्था में मुक्त शब्द को यहाँ पर सूत्रकार ने रखा है। अर्थात पहले में संसारी और दूसरे में मुक्त। इस प्रकार से यहाँ पर
हमने इस सूत्र को समझा, अब इस सूत्र का जो भी और रहस्य होगा इसे अगली क्लास में हम जानेंगे। वंदना जैन, ऋषिकेश, उत्तराखंड, आपका प्रश्न है कि उद्वेलना किसे कहते हैं और किसकी होती है। देखिए, कोई सम्यक दृष्टि जीव है और उसका मिथ्यात् कर्म का उदय आया या अनंतवंती कषाय का उदय आया तो वह प्रथम गुण स्थान में पहुंचता है। जब प्रथम गुण स्थान में पहुंचता है तो उसके पास मिथ्यात् सम्यक प्रगति, मिथ्यात् प्रगति और सम्यक प्रगति, तीनों ही प्रगतियाँ उसकी सत्ता में रहती हैं। कब तक रहती हैं? बहुत समय तक रहती हैं। लेकिन यदि वह पुनः सम्यक को प्राप्त नहीं करता है तो फिर उसकी जो सम्यक प्रगति है वह सम्यक मिथ्यात् प्रगति रूप उद्वेलना हो जाती है, अर्थात उस रूप हो जाती है। फिर कुछ समय के बाद सम्यक मिथ्यात् प्रगति भी है वो मिथ्यात् रूप में ही उद्वेलित हो जाती है, अर्थात जो तीन टुकड़े उसके मिथ्यात् के हुए थे वह टुकड़े फिर पुनः मिथ्यात् रूप में ही हो जाते हैं, एक द्रव बन जाता है। तो बहुत समय बीत जाने के बाद तो इस प्रकार से मिथ्यात् में ही वह परिवर्तित हो जाती है, सम्यक प्रगति भी और सम्यक मिथ्यात् प्रगति भी। यदि अपन ने पुनः सम्यक को प्राप्त नहीं किया, फिर अपन सम्यक को प्राप्त करेंगे तो फिर अपन को सम्यक मिथ्यात् मिथ्यात् के जो है फिर टुकड़े करना पड़ेंगे, और जैसे अनादि मिथ्या दृष्टि जैसे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से उद्वेलना की ऐसी व्यवस्था शास्त्रों में है। पंडित शांतिलाल जी जैन, आगर मालवा, मध्य प्रदेश, आपका प्रश्न है क्या अभव्य कभी भव्य हो सकता है। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तीन काल में भी नहीं। अभव्य अभव्य रहेगा और भव्य भव्य ही रहेगा, ऐसा ही उसकी योग्यता है और ऐसा ही उसका आत्मा का अपना परिणमन है। यह इसका परिणामिक भाव जो है वो इसी प्रकार से ही रहेगा, अभव्य का अभव्य रूप, अभव्य का भव्य रूप। अभव्य कितना भी पुरुषार्थ करे, कितना भी वह ज्ञान पढ़ ले, यहाँ तक कि 11 अंग 9 पूर्व का भी अध्ययन कर ले, फिर भी वह उसकी अभव्यता मिट नहीं सकती है। ऐसा ही उसका अनादि अनंत ध्रुव बंध बनता रहता है कर्म का, ऐसा कर्म का भी निमित्त और ऐसी उसकी अपनी आत्मा की योग्यता भी यही पाई जाती है, ऐसा सर्वज्ञ भगवान ने कहा है। इसलिए अभव्य कभी भी भव्यता को प्राप्त नहीं हो सकता है। रंजू जैन, राजस्थान, आपका प्रश्न है लेश्या और कषाय में क्या अंतर है। कषाय तो आत्मा के विकारी परिणाम हैं, राग द्वेष मोह आदि, और लेश्या उसकी अभिव्यक्ति है। मन वचन काय से उस कषाय की अभिव्यक्ति का नाम लेश्या है, और आत्मा के विकारी परिणाम जो है वो कषाय हैं। इस प्रकार से लेश्या और कषाय में अंतर है। लेश्या भी दो प्रकार की अभिव्यक्ति होती है, एक तो द्रव लेश्या जो शरीर संबंधी, और एक भाव लेश्या जो आत्मा के कषाय हैं, उनका अपने मन से, अपने वचन से और अपने काय से दिखना, हमारी क्रिया में, प्रतिक्रिया में दिखाई देना, अभिव्यक्त होना, उसका नाम लेश्या है। और कषाय जो है वह आत्मा के स्वयं के विकारी परिणमन, चारित मोहिनी संबंधी, दर्शन मोहिनी संबंधी, इस प्रकार से वो हमारी कषाय आदि होती है। जावाणी के ज्ञान से सूजे लोकालो, सोवाणी मस्तक धरो सदा दे तो धोग, हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरा सरना धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।